हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज सब लोग सोए रहे, पूरे दिन आराम ही किया क्योंकि इतने दिन से रात को भी हम लोग सब गरबा में जा रहे थे तो लेट हो रहा था। बारह एक बज रहा था हमारा। आज सब लोग सोए रहे सुबह से। सुबह सिर्फ बच्चे को स्कूल छोड़ के आए थे हम लोग, मेरे बड़े बेटे को। अभी हम लोग जा रहे हैं उसको ही लेने के लिए। 3 बज गए यहाँ पे। बाद में देखते हैं हम लोग जाने वाले हैं। जो मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था एक बार कि मैं जाऊँगा अपने एक और जो नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर होते हैं यहाँ के, नॉट पटेल ब्रदर तो काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन हम लोग अभी जाने वाले एक जो नॉर्मली बेसिक सा जो हमारे नेबरहुड स्टोर जो कहते हैं हम लोग, या नज़दीक में जो इंडियन ग्रोसरी स्टोर होता है, छोटा वाला होता है, जहाँ पे कभी कभी थोड़ा बहुत कुछ लेना होता है तो उसके लिए हम लोग वहाँ जाते हैं। तो पहले तो मेरे बड़े बेटे को ले लेते हैं, बाद में इंडियन ग्रोसरी जाते हैं और देखते हैं। अगर उसमें से टाइम मिलता है तो मैं आपको मिल्वॉकी सिटी दिखाऊंगा, जहाँ पे काफ़ी खूबसूरत जगह है वो। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मैं कहीं सीधा बाहर इधर उधर घूमने जाऊँ, उससे अच्छा पहले जहाँ पे मैं रहता हूँ वही तो मैं आपको दिखाऊँ। इसलिए मैं लास्ट व्लॉग में रेसिन भी आपको दिखाया, रेसिन बीच वगैरह दिखाया जहाँ पे हम लोग रहते हैं। अभी मिल्वॉकी जो है वो मेरे नज़दीक की सिटी है, जो मेरे घर से आई थिंक ओनली लाइक 15-20 मिनट्स का ही रास्ता है। तो जहाँ पे हम लोग नॉर्मली खाने के लिए जाते रहते तो अभी हम वहीं जा रहेंगे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो पूरा वीडियो देखेगा मेरा। गाइस, तो हम लोग स्कूल पे आ चुके हैं अभी, बस अभी वेट कर रहे हैं। मैं यहाँ आसपास का नज़ारा भी थोड़ा आपको दिखाऊंगा। काफ़ी अच्छी जगह है, क्वाइट जगह है और ये वाली प्राइवेट स्कूल है। आई थिंक लास्ट वीडियो मैंने कहा था, तो जिन्होंने लास्ट वीडियो देखा है मैंने दिखाई थी स्कूल, थोड़ा बहुत अंदर से भी दिखाई थी स्कूल कैसी है। तो बस अभी वेट करते हैं मेरे बड़े बेटे का, वो आता है। बाद में हम लोग घर जाएंगे, मेरी मॉम रेडी हो रही है तो घर से बाद में उनको लेके सब हम साथ में निकलेंगे। Vivan is here. I'm going to school. Going to school? Yeah. What happened in the school? Did the teacher give you a punishment? Yeah. Why? What you did? I did in the school. I get a marker and I draw in the floor. Why did you draw on the floor? You don't have to do that. You did it. He Michael do that. Did you tell teacher that Michael did that? Yeah, I tell teacher that Michael did it. Then what teacher said? Michael. Then what teacher said? Michael, we don't do that. So. Teacher told Michael don't do that. उसको आज स्कूल में पनिशमेंट मिली क्योंकि उसने मार्कर से नीचे फ्लोर पे लिख दिया था, तो उसे स्कूल के बाहर खड़ा कर दिया। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है कि हमको मैसेज आ जाता है कि अगर कोई भी बच्चा कुछ कर रहा है, उनको खाना वाना देते हैं, लंच देते हैं, नाश्ता कुछ देते हैं, तो हमको मैसेज कर दिया जाता है कि आपके बेटे को ये दिया आदमी, ये खिलाया, उसने खाया, कितना खाया, वो सबको हमको रिपोर्ट डेली आवर टू आवर रिपोर्ट हमको मैसेज पे आता रहता है। तो उसके टीचर ने हमको मैसेज किया था कि उसने मार्कर से फ्लोर पे लिख दिया तो उसको पनिशमेंट मिली, उसको बाहर खड़ा कर दिया था। सो विवान यू नॉट गोना डू दैट अगेन, ओके? ओके, नो माइकल। यो माइकल, ओके। तो मैं थोड़ा आपको पहाड़ का भी व्यू दिखाता हूँ। तो ये यहाँ का कुछ व्यू है, जैसे कि आप देख रहे हो ये सामने उस तरफ स्कूल है और ये आई थिंक पूरी स्कूल की प्रॉपर्टी है। गार्डन है, प्लेग्राउंड है। तो हम लोग आ चुके हैं हमारे एक घर के नज़दीकी इंडियन स्टोर, इसे कहते हैं
देसी मार्केट। पहले मैं थोड़ा रिफिल कर लेता हूँ मेरे एयर फ्रेशनर को। ऑलराइट गाइस, तो अब हम एंटर हो चुके हैं यहाँ पे देसी मार्केट नाम है ये स्टोर का, और ये हमारे घर से तकरीबन आई थिंक 20-22 मिनट दूरी पे है। और जैसे देख रहे हो दिवाली आने वाली है, तो दिए वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पे बिकना, डांडिया वगैरह भी था लेकिन अभी घबरा के तो गई। और थोड़े बहुत बर्तन वगैरह भी यहाँ पे मिल जाते हैं। ये पटेल ब्रदर जितना बड़ा स्टोर तो नहीं होता है, लेकिन आपको बेसिक सभी चीज़ मिल जाती है, लेकिन जो पटेल ब्रदर में जो सब्जी से लेकर सब कुछ जो मिलता है वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। मतलब थोड़ी बहुत फ्रोज़न में होगी सब्जियाँ, पर इतनी नहीं मिलेगी, जो फ्रेश होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी यहाँ पे। जैसे कि आप देखते हो हल्दीराम के सारे मतलब आपके स्नैक्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, लेज है सब कुछ है यहाँ पे। और जैसे आप देख रहे हो प्राइस 399, तो पटेल ब्रदर में आई थिंक 299 था, वो थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको रहता है यहाँ पे। और जैसे कि ये सारे बर्तन वगैरह यहाँ पे है, स्टील स्पून्स 199, $2 में स्पून्स है। आई थिंक राइस कुकर वगैरह भी है अपना, जो कुकर बोलते हैं किचन के अंदर, ये हॉकिंग्स का कुकर है, $59.99, $60 में है, $60। और आगे है ये सब सारे कूलर्स के अंदर फ्रोज़न मतलब पराठे वगैरह सब है, नान ब्रेड वगैरह आपको रेडी चाहिए हो बस सीधा लेके माइक्रोवेव में डाल दीजिए, तो वो सब यहाँ पे होगा, पूरा फ्रोज़न फूड है यहाँ पे सारे कूलर्स में। ये है ऑयल यहाँ पे, लेकिन प्राइस नहीं लिखी थी, तो पता नहीं कितने का होगा। यहाँ पे भी सारे पराठे से पराठे, नान, रोटी, और बाद में भी यहाँ पे सब वेजिटेबल्स स्टार्ट होते हैं। उसके बाद इंडिया के मैंगो रस, ये दोनों शैतान पूरे स्टोर में हल्ला मचा रहे हैं। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे वेजिटेबल्स हैं फ्रोजन मतलब नॉट फ्रेश, ऑलरेडी चॉप किए हुए कट किए हुए वेजिटेबल्स हैं यहाँ पे। और ये सब तो हम लोग वहाँ से ले ही चुके हैं पटेल ब्रदर से, तो मतलब पटेल ब्रदर यहाँ पे, जैसे कि आज मेरा इनवॉइस मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, मेरा थोड़ा ज़्यादा होगा। नॉर्मली यहाँ से हम लोग जब भी लेते हैं, जब बस ये नाश्ता पानी वगैरह लेते हैं यहाँ से, मतलब स्नैक्स वगैरह वो सब हो गया, इमरजेंसी में कभी कभी शायद कुछ ख़त्म हो जाए तो लेने आना पड़ता है, नहीं तो फिर स्नैक्स वगैरह लेके जाते हैं। तो मेरा यहाँ पे मेन और नॉर्मली 200 250 जैसा मेरा इनवॉइस होता है,
देखते हैं आज कितना होता है, क्योंकि लास्ट टाइम ये लोग कुछ भूल भी गए थे पटेल ब्रदर्स से लेना, तो शायद थोड़ा इस बार ज़्यादा होगा। लेकिन पटेल ब्रदर में सब जब सब ज़्यादा लेना होता है हमको, मतलब अपना क्या कहते हैं फ्लावर्स से लेकर मतलब वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, राइस, आटा वगैरह लेना होता है, मतलब सारे ग्रोसरीज वगैरह लेनी होती है, तो फिर मैक्सिमम हम लोग पटेल ब्रदर ही जाते हैं। बहुत ज़्यादा लेना होता है तो यहाँ पे ये पार्ले जी वगैरह 349, बॉन बॉन बिस्किट्स, तो बच्चों के लिए हमको लेने के लिए आना पड़ता है कि वो लोग को नाश्ता चाहिए होता है ज़्यादातर, और हम सब लोग शौकीन हैं मतलब नाश्ता के, हम सबको ही चाहिए होता है। बस ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मतलब यहाँ पे अगर शायद मेरा समझ लीजिए अप्रोक्सीमेटली शायद $300 होगा, तो अगर यही चीज़ में पटेल ब्रदर से लेता तो शायद 250 होता मेरा, इसलिए फिर इतने चीज़ के लिए वापस वहाँ जाना, एक घंटे की ड्राइव करना, और जैसे कि ये वेजिटेबल्स आप देख रहे हो ये फ्रेश है लेकिन फ्रीज़र में ही रखे हुए, मतलब ताकि बिगड़े नहीं। एवरी वीक वेनसडे या ट्यूसडे को आई थिंक वो लोग लेके आते हैं यहाँ पे ये स्टोर में पटेल ब्रदर में, तो आई थिंक पता नहीं बहुत रोज़ी होता होगा, बहुत बड़ा होता है वहाँ पे। तो जो जैसे मैं कह रहा था $50 का डिफरेंस शायद आता होगा जो मैं यहाँ से लिया और वहाँ से लिया, लेकिन एक घंटे ड्राइव करके वहाँ जाना पटेल ब्रदर में सिर्फ ये 200-300 की चीज़ लेने के लिए, तो मतलब इतना वो नहीं होता है, इसलिए यहाँ से ले तो चल जाता है। अगर आपको ज़्यादा लेना हो मतलब 3-4 महीने 6 महीने का आपको घर में स्टॉक करना हो तो ऑब्वियसली डेफिनेटली मैं कहूँगा आप वहाँ जाइए। ये पानी पूरी का पैकेट है, जैसे यहाँ पे थोड़ा महंगा था आप देख सकते हैं, 799 में था, जो पटेल ब्रदर में आई थिंक 399 में मिलता है या 499 में मिलता है। और गाइस तो हमारा शॉपिंग हो गया, वहाँ से बाद में हम लोग निकल गए, और मेरा टोटल जो बिल हुआ वहाँ पे आज, एक मिनट में आपको देख, बिल नीचे गिर गया था, मेरा टोटल बिल जो हुआ है ऑलमोस्ट लाइक 340 कुछ ऐसा कुछ बिल हुआ है। अभी आपने जो लोग ने प्रीवियस वीडियो देखा था उसमें आपको पता है मैं पटेल ब्रदर्स में गया था, वहां से भी ऑलरेडी मैं $500 का शॉपिंग करके आया था, लेकिन वो ऐसा मत समझना कि आपको हर महीने कुछ यहाँ पे जो भी आएंगे मतलब यहाँ पे रहेंगे तो आपको भी इतना सारा शॉपिंग करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। वो जो शॉपिंग था जो मेरा पटेल ब्रदर से, वो मैक्सिमम चीज़ें जो हम लोगों ने ली थी, जैसे हो गया अपना चावल हो गया, दाल हो गई या आटा हो गया वगैरह वगैरह, वो सब ज़्यादा लिया था, वो हम लोगों ने ऑलरेडी 4-5 महीने का ले लिया है, अंदर ऑलरेडी स्टॉक कर लिया, मतलब तो 4-5 महीने तक मेरे को वो सब नहीं करना है। अभी ये जो मैं लेता रहता हूँ वो आज थोड़ा ज़्यादा भी इसलिए हुआ क्योंकि लास्ट टाइम थोड़ा कुछ 2-4 चीज़ वो लोग भूल गए थे वहाँ से, तो वो सब लिया वगैरह, नाश्ता वगैरह लिया, मतलब $200 जैसा आपका हर महीने पकड़ के चलिए आप, कि आपको $200 जैसा आपका खाने का खर्चा हो ही जाएगा अगर आप नाश्ते वगैरह के शौकीन, क्योंकि हम लोग तो है भाई, हम लोग सब लोग को नाश्ता चाहिए, क्योंकि कभी कभी खाने वाने का मूड नहीं होता, ये नहीं होता, तो हम लोग को उसमें से कुछ नाश्ता वगैरह कर लिया, ऐसा छुट्टी वगैरह होता है तो लास्ट वीडियो में जैसे आपने देखा था कुछ फाफड़ा वगैरह खा लिया, कुछ ये सब खा लिया, तो वो सब में थोड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं पैसे। नहीं तो नॉर्मली आपका खाने का आप गिनो तो महीने का आपका वही $300-$400 तो आपको पकड़ के चलना ही पड़ेगा, मतलब आपका सब्जी हो गया वगैरह वगैरह जो नॉर्मल बेसिक जो हो गया वो, तो उसमें आपका 300-400 हो जाता है। तो हमारे इंडियन स्टोर में नॉर्मली जो अगर हम सिर्फ नाश्ता वगैरह लेने आते हैं तो हमारा तो 150-200 में ही काम हो जाता है, आज थोड़ा 100-150 डॉलर थोड़ा ज़्यादा हो गया कि लास्ट टाइम का कुछ थोड़े लोग भूल गए थे, तो बस यही था। और अभी तो हम लोग जा रहे हैं अंदर रेस्टोरेंट के अंदर, होटल में खाना खाने जा रहे हैं, वो सेम ही होटल है जो लास्ट टाइम आप लोग ने देखी थी, इसलिए मैं लंबा नहीं करने वाला वीडियो आपको दिखाने वाला, तो बस आज की वीडियो में यही था। तो अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड लाइक माई वीडियोज़ एंड हिट द बेल आइकॉन, तो आगे भी आपको सब वीडियो मिल सके। और मैं कोशिश करूँगा कि और कहीं भी बाहर जाके मैं वीडियो बनाऊँ,
क्योंकि अभी क्या है कि बच्चों की स्कूल स्टार्ट हो गई तो हम लोग इतना निकल नहीं पाते। पहले तो हम लोग सोचते कि जब वीडियो नहीं बनाया तब हम लोग इतने सारे जगह पर जाते थे और कहीं पर मतलब 3 दिन की 2 दिन की छुट्टी लेके कहीं पर निकल जाते थे हम लोग, और अभी हम लोग कहीं निकल नहीं पा रहे। तो देखते हैं, फिर भी हम लोग अभी ट्राई करेंगे, उनकी छुट्टी हुई तो हम लोग जरूर कहीं पर जाएंगे, आपको दिखाएंगे जगह भी और भी। फिलहाल तो अभी मैं अंदर जाता हूँ, हम लोग खाना खाते हैं और घर जाएंगे। तो अगर आपको अगर ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। टेक केयर गाइस, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।